हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोएगुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड व्हेन ब्लड वेसल गॉट इंजर्ड। जब भी हमें, चाहे वो एक्सटर्नल इंजरी हो चाहे इंटरनल इंजरी हो, अगर इसके दौरान ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं तो ब्लड ब्लड वेसल से बाहर आने लगेगा और ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो यहाँ पर क्या है कि जब भी हमें चोट लगती है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, तो ब्लड का फ्लो कुछ टाइम के बाद जो है ऑटोमेटिकली रुक जाता है और उस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से प्रोसेस एसोसिएटेड हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स ब्लड के इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन के ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स का अपना रोल है, प्लाज्मा के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनका अपना रोल है। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू इन ब्रीफ कि व्हाट आर द स्टेप्स व्हेन ए ब्लड वेसल गॉट इंजर्ड। व्हेनेवर देयर इज इंजरी और रप्चर टू ब्लड वेसल व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली ब्लड विल कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे ही ब्लड वेसल्स से ब्लड बाहर आने लगेगा, इस एरिया के जो स्मूथ मसल्स हैं, सबसे पहले वेस्कुलर स्पाज्म होगा। स्मूथ मसल्स ऑफ दिस एरिया विल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है इस पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाएगा, ताकि ब्लड का जो मूवमेंट है, ब्लड वेसल से बाहर जो ब्लड का मूवमेंट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। दूसरा पॉइंट, जैसे ही ब्लड बाहर आने लगेगा, जो प्लेटलेट्स हैं, जो कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हैं, जैसे ही ब्लड बाहर आने लगेगा, प्लेटलेट्स विल कम इन कॉन्टेक्ट विद कोलाजन फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर हम ब्लड वेसल की वॉल की बात करें, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें तीन लेयर होती हैं, तीन तरह की लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज हैविंग कोलाजन फाइबर। सो जैसे ही ब्लड ब्लड वेसल से, डैमेज ब्लड वेसल से बाहर आएगा, वो जो प्लेटलेट्स हैं वो कोलाजन फाइबर और ब्लड वेसल्स वॉल के कांटेक्ट में आएंगी एंड दे विल बिकम स्टिक टू इच अदर। अब जैसे ही प्लेटलेट्स स्टिक होंगी, वो एक दूसरे के साथ स्टिक होती चली जाएंगी एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ये एक टेम्परेरी मेथड है जो फर्दर ब्लड के फ्लो को रिड्यूस करेगा। सो फर्स्ट इज वेस्कुलर स्पाज्म, जहाँ पर डैमेज हुआ है उस एरिया की ब्लड वेसल्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाएगा ताकि ब्लड का फ्लो उस एरिया में कम हो। दूसरा, जो प्लेटलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक होंगी, दे विल स्टिक टुगेदर टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग। नाउ दीज सम ऑफ दीज प्लेटलेट्स डिग्रेड डिसइंटीग्रेट एंड विल रिलीज सम फैक्टर्स। प्लेटलेट्स कंटेन फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग। सो जैसे ही जो डैमेज्ड प्लेटलेट्स हैं, दे विल रिलीज फैक्टर्स विच विल इनिशिएट प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग। डोंट टू बी कन्फ्यूज, प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करती है जिसकी वजह से ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो डैमेज टिश्यू है, सराउंडिंग डैमेज टिश्यू है, दैट विल ऑल्सो रिलीज सम काइंड ऑफ केमिकल्स विच ऑल्सो इनिशिएट प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। और फाइनली जो है, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फाइनली देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से ब्लड जो है वेसल सील हो जाती है, ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। सो बेसिक स्टेप्स क्या है? व्हेनेवर देयर इज डैमेज टू ब्लड वेसल, स्मूथ मसल्स ऑफ दैट एरिया कॉन्ट्रैक्ट, ल्यूमन रिड्यूस होगा, ब्लड फ्लो टू दैट पर्टिकुलर एरिया इज हाईली रिड्यूस्ड, तो अल्टीमेटली ब्लड का फ्लो कम होगा, ब्लड का लॉस कम होगा। दूसरा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड वेसल्स हैं, सॉरी, जब वो डैमेज ब्लड वेसल्स से प्लेटलेट्स बाहर आएंगी, वो प्लेटलेट्स उस कोलाजन वॉल के साथ स्टिक हो जाएंगी और वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक होती चली जाएंगी, दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। Now, these some of the platelets disintegrate and will release clotting factors. इसके अलावा जो surrounding tissue है, damaged tissue है, that will also release some factors, जिसे हम thromboplastin कहते हैं। जो platelets है as well as surrounding damaged tissue will release thromboplastin. और ये जो thromboplastin है वो क्या करेगा, वो clotting factors को activate करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, clotting process को initiate करेगा and finally there is a formation of clot, which will prevent further loss of blood from the blood vessels. Now let us have a look at clotting process and clotting factors.
First, you have to understand about clotting factors. There are different type of clotting factors which are involved in process of blood coagulation. These clotting factors are present in plasma. Point to be noted, clotting factors are present in plasma. प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, इट विल फाइनली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कौन करेगा? क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगी फैक्टर्स रिलीज्ड बाय डैमेज्ड टिश्यू एज वेल एज प्लेटलेट्स। जैसे जैसे वो प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होंगी, डैमेज्ड प्लेटलेट्स एज वेल एज सराउंडिंग टिश्यू विल रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, और इन क्लोटिंग फैक्ट इन प्लाज्मा सॉरी प्लेटलेट्स फैक्टर्स की वजह से प्लाज्मा में जो इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर्स हैं दे विल बिकम एक्टिवेटेड। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, लेट अस रिकैपिटुलेट। क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, सम ऑफ द प्लेटलेट्स गॉट डैमेज्ड, डैमेज्ड प्लेटलेट्स विल रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेस, और ये जो सब्सटेंसेस हैं वो क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये क्लोटिंग फैक्टर काम करते हैं। हालांकि ये एक्स्ट्रा में है, आपको लर्न नहीं करना है, 11th 12th में इन फैक्टर्स के नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन। फैक्टर 2 इज प्रोथ्रम्बिन, ये भी बुक में आएगा। फैक्टर 3 इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयन, यहाँ से आपको याद रखना है विच मेटल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग इज कैल्शियम आयन। फैक्टर 5 इज लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 7 इज स्टेबल फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर 6 नहीं है। फैक्टर 8 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर मीन्स द फैक्टर विच डज नॉट अलाउ द पर्सन टू बिकम हीमोफिलिक, बिकॉज अगर ये फैक्टर प्रेजेंट है तो हीमोफीलिया नहीं होगा। वाई दिस इज नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, बिकॉज ह्यूमन बींग में देखें तो कुछ ऐसे ह्यूमन बींग हैं जिनमें फैक्टर 8 सिंथेसाइज नहीं होता है, और जिन पर्सन में फैक्टर 8 सिंथेसाइज नहीं होगा उन पर्सन को कौन सी डिजीज होगी? हीमोफीलिया। बट वी आर फॉर्चुनेट कि हम सब में फैक्टर 8 प्रेजेंट है और हीमोफीलिया नहीं है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 9 इज क्रिसमस फैक्टर। इट दिस फैक्टर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हीमोफीलिया, और ये फैक्टर सबसे पहले क्रिश्चियन फैमिली में डिस्कवर किया गया था फैक्टर 9 की जो एब्सेंस है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं फैक्टर 9 और क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 इज टू आर प्रोवर फैक्टर। फैक्टर 11 इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 12 इज हैगमन फैक्टर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग के दो पाथवे होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंजिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंजिक पाथवे। इंट्रिंजिक पाथवे क्या होता है? जब इंटरनल डैमेज है, आप गिर गए हैं, बाहर से कोई चोट का निशान नहीं है, ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं हुई है, बट इंटरनली देर इज ब्लीडिंग, सो दैट इज इंटरनल पाथवे, इंट्रिंजिक पाथवे। और एक्सट्रिंजिक पाथवे मीन्स जब आपको एक्सटर्नल इंजरी है, डैमेज है, सराउंडिंग टिश्यू डैमेज हुआ है, तो आपका एक्सट्रिंजिक पाथवे इनिशिएट होगा। नाउ व्हाट इज दिस पाथवे? एक्चुअली जस्ट हैव अ लुक एट दिस। जब डैमेज्ड टिश्यू या डैमेज्ड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगी? क्लोटिंग फैक्टर्स। तो जो सब्सटेंस प्लेटलेट्स ने रिलीज किया है उसको हम कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेजिंग टिश्यू ऑल्सो रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 12 एक्टिवेट करेगा 11 को, 11 एक्टिवेट करेगा 9 को, 9 फैक्टर अलोंग विद 8 बनाएगा, सॉरी एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को। कहने का मतलब है वन आफ्टर अदर फैक्टर्स जो इनएक्टिव फैक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्टिवेट। और इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे कैस्केड, कैस्केड लाइक मैनर। आगे हम एक वर्ड यूज करेंगे कि जैसे ही फैक्टर्स डैमेज्ड प्लेटलेट्स रिलीज करेंगी, क्लोटिंग फैक्टर्स गॉट एक्टिवेटेड इन ए कैस्केड लाइक मैनर। यहाँ पर एक चेन की तरह फैक्टर वन आफ्टर वन एक्टिवेट होते चले जाएंगे एंड फाइनली क्या होगा? देर इज एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है,
प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, और यहाँ पर थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह काम करेगा, और यहाँ पर थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजन को, किसमें? फाइब्रिन में। तो आपको याद रखना है टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इंटू थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन विल एक्टिवेट फाइब्रिनोजन इंटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन एक सोल्यूबल ब्लड प्रोटीन है, और जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, फाइब्रिन थ्रेड्स आर इनसोल्यूबल, दे विल पोलीमराइज टू फॉर्म फाइब्रिन थ्रेड्स, एंड फाइब्रिन थ्रेड्स विल फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए क्लोट। सो आपको याद रखना है कि क्लोट कौन से प्रोटीन की बनी हुई होती है? फाइब्रिन। और ये लास्ट टू लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड टू थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन इज एक्टिवेटेड टू फाइब्रिन, राइट? अब यहाँ पर देखिए हीपेरिन, हीपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। जब तक ब्लड वेसल हमारी इंटेक्ट है, कोई क्लोटिंग का प्रोसेस नहीं होगा, सो हीपेरिन इस केस में क्या करेगा? वो इन फैक्टर्स की एक्टिवेशन नहीं होने देगा। फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 10, दे आर नॉट एक्टिवेटेड अंटिल हीपेरिन इज प्रेजेंट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग हीपेरिन गॉट इनएक्टिवेटेड, सो विद द रिजल्ट प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग टेक्स प्लेस एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ fibrin and these fibrin thread polymerize to form clot. So what is the process of blood clotting in BLEAF, which is given in your book at 11th class level? Whenever there is a damage to blood vessels, blood continue to flow out of blood vessels. जैसे ही प्लेटलेट्स कोलाजन फाइबर के कॉन्टैक्ट में आएंगी, जो ब्लड वेसल की वॉल में प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स विल स्टिक टुगेदर टू वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड दे विल स्टिक टुगेदर देम सेल्स टू फॉर्म अ टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग। मीन वाइल कुछ प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होंगी एंड दे विल रिलीज सर्टेन सब्सटेंसेज, एंड दीज सब्सटेंसेज विल इनिशिएट कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। कैस्केड ऑफ रिएक्शंस का मीनिंग हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, वन आफ्टर अदर फैक्टर एक्टिवेट होते चले जाएंगे एंड फाइनली दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, एंड दिस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स विल एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, नाउ थ्रोम्बिन विल एक्ट एज एंजाइम एंड विल कन्वर्ट सोल्यूबल फाइब्रिनोजन ब्लड प्रोटीन इंटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन, एंड दीज फाइब्रिन मॉलिक्यूल विल पॉलीमराइज टू फॉर्म फाइब्रिन थ्रेड्स, एंड फाइब्रिन थ्रेड्स जो हैं दे विल फॉर्म ए नेटवर्क विच विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोट। दस क्लोट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइब्रिन। तो यहाँ से आपको याद रखना है, जैसे ही सर्टेन सब्सटेंसेज आर रिलीज बाय प्लेटलेट्स एज वेल एज डैमेज टिश्यू, दे विल इनिशिएट कैस्केड ऑफ रिएक्शन, बनेगा एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज जो कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन काम करेगा एक एंजाइम की तरह अगेन, और कि फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? फाइब्रिन में, और फाइब्रिन मॉलिक्यूल पोलीमराइज होकर बनाएंगे फाइब्रिन थ्रेड्स, एंड फाइब्रिन थ्रेड्स नेटवर्क के फॉर्म में क्या बनाएंगे? क्लॉट। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। Now it's very easy to understand these lines. Clot or coagulum is a network of fibrin threads with entrapped formed elements. Formed elements means blood corpuscles, जो blood cells present होती हैं, और जो clot है that is dark and reddish brown in color. Blood clotting is cascade process involving series of linked reactions where there is activation of inactive clotting factors present in the plasma. This line already we have discussed. The process start when platelets and surrounding tissue at the site of injury release certain factors in response to injury. So that's all about theory portion about blood clotting. Vitamin K play very important role in blood clotting. और vitamin K कौन कौन से factors को activate करने में help करेगा? That is factor 2, 7, 9 and 10. और उसके लिए mnemonics है कि कौन सा clue है जिसके through आप इसको याद कर सकते हैं. 2, 7, 2 plus 7 is 9, not 10. So that is, कौन कौन से factor हो गए? 2, 7, 9 and 10. These are the factors which require vitamin K for their activation and working.